आज मत जाओ ना, आज आज तो घर में पूजा है और आपको मेरे साथ रहना जरूरी है ना। और मुझे ना सुबह से बहुत घबराहट हो रही है, शीशे का टूटना, भगवान जी की मूर्ति गिरना। और विनती, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ ना प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? पता है तुम्हें ये सब, तुम्हें ये सब ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अपना दिमाग इन सब फालतू की चीजों में लगा रही हो। नीति, अपना मन, अपना ध्यान घर की बाकी की चीजों में लगाओ, ये अंधविश्वास वाली बातों में नहीं, ठीक है? और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ओके? प्रॉमिस, प्रॉमिस। चलो लव यू वाला हाथ दो। चलो बाय, ओके? प्लीज मत जाओ। विनती भाभी कुछ ज्यादा ही डर गई मंदिर का हाल देखकर। तुम भी डर गई क्या? क्या है ना भाभी, मेरे प्यारे अमर भैया को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक आप मुझसे काम चलाओगे। चलो अमर भैया पूजा आरंभ करें। हाँ विनती, आओ पूजा कर लो, फिर शायद तुम आना। संजना, इन दोनों के बाद तुम भी कर लो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि स्तुतो बुद्धस्य गुरु शुक्रस्य शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। पुष्प हाथ में लीजिए। भूषण ओके? लगी तो नहीं। भाभी आप उठाओ।
भगवान के लिए फोन उठाओ। शांत हो जाओ। मैम धीरे से रुको बेटा। रिचेबल अभी नहीं हो रही थी, अभी नॉट रिचेबल आ रहा है। कुछ उनके साथ बुरा तो नहीं हुआ ना? नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। वो कहाँ गए? वो हाँ पूछो भैया, वो अमर को अमर की आपसे बात हुई क्या? अगर हुई तो प्लीज मेरी बात करा दीजिए ना। भाभी मेरी बात नहीं हुई है। तो वो कहीं गए ना, तो आप उनमें से किसी को फोन लगाए या किसी का नंबर होगा आपके पास, या हम वहाँ पर भेज सकते हैं किसी को। बिंदु तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो। अमर किसी एनआरआई क्लाइंट के साथ मीटिंग में है, शायद फोन नहीं उठाएगा, उसे एसएमएस कर। मैं अभी मैसेज करता हूं। नहीं 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 नहीं, मैसेज नहीं करना है, फोन करना है उनको। पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं। नॉट रीचेबल है। अमर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, तू शांत हो जा। ये साड़ी खराब है इसलिए ऐसा हुआ, सोच मत ज्यादा। बिची मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ मेरी साड़ी खराब होगी, लेकिन सुबह से जो मेरे साथ हो रहा है उसका क्या? ऐसा क्या हुआ है विनती? नानी माँ, मेरे कमरे का मिरर टूटा हुआ था। जब मैंने रात को देखा तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन सुबह उठी तो मिरर टूटा हुआ था। मेरी सिंदूर नीचे गिरी हुई थी, पूरा फ्लोर पे सिंदूर था। मामी जी ने दूध मांगा, दूध गिर गया। बाहर आके देखा तो पर्ची की मूर्ति गिरी हुई थी। इनको मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी कि बाहर मत जाओ, पर इन्होंने मेरी नहीं मानी, ये बाहर चले गए। बहुत बड़ा अपशगुन है ये, इस घर पे किसी अपशगुनी से आया है जो हम सबको खा जाएगा। ऐसा मत सोचो, प्लीज शांत हो जाओ। ये अपशगुन वगैरह कुछ नहीं होता, अमर बस थोड़ी देर में घर आ जाएगा, या तो तुम्हें फोन जरूर करेगा वो। नहीं मामा जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि कुछ न हो, लेकिन इस घर पे ना अपशगुन ही साया है, ये हम सबको खा जाएगा। इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बस कोई अपशगुन जैसी चीज नहीं होती है। अरे कितनी बार कह चुकी हूँ मैं तुमसे, अरे पानी के अंदर केमिकल भी तो हो सकते हैं ना बेटा। केमिकल कैसे हो सकता है? पहले आपके साथ हुआ, फिर श्रिया के साथ हुआ, अब मेरे साथ हो रहा है, ये तो अब शकुन है ना। आप सही कह रहे थे, हमें अजय के बगैर मुझे करवा लेनी चाहिए थी, आप सही कह रहे थे। इतनी कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा मत सोचो, अमर को कुछ नहीं हुआ है। मामा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बोलती हूँ प्लीज, मुझे हर जगह अपशगुनी साया नजर आ रहा है। अब तक अमर की कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं है। मैं नहीं चाहती मामा जी कि अजय को घर से बाहर निकाले, लेकिन ये पूजा करवा दीजिए प्लीज। देखो कुछ पापा, प्लीज मेरी बात मानिए, एक बार ये पूजा करवा लेते ना प्लीज, वरना मजबूरन अजय को इस घर से जाना होगा। कब तक ये सब सहन करते रहेंगे हम? बोले ना पापा, आप बस एक बार बोलिए, मैं अभी फोन करता हूँ पंडित जी को। नहीं भूषण, तुम किसी को फोन नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो वो पूजा होगी और ना ही अजय इस घर से जाएगा, समझे तुम? मामा जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ अजय को बाहर निकालो, अगर अमर का कुछ हुआ तो मैंने सुना है। तू चुप है विनती। भैया, भाभी भैया आ गए। अमर, आप ठीक है? थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। विनती, आप ठीक हो? क्या हुआ?
क्या हुआ यहाँ पे? आप ठीक हैं ना? ये क्या हालत बना रखी है? तुम रो क्यों रही हो? मैं बताता हूँ इसकी वजह। अमर, इसे लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है निधि। देखो मैं ठीक हूँ ना, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड। हाँ, मुझे जाने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि दिल्ली आगरा हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया था और ट्रैफिक जाम था, इसलिए मुझे देर हो गई। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। बट ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या है? मुझे बताएगा कोई? सुन लिया विनती, घटी कोई अशुभ घटना अमर के साथ? अरे वो ट्रैफिक में फंस गया था बस, कोई अब शुरू नहीं हुआ इसके साथ। अरे अमर, इसने तो रो रो के अपने आप को और हम सबको इतना परेशान कर दिया था। विनती, देखो विनती, अब ये मत सोचना कि पूजा ना कराने की वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब ने अपने प्यार से और अपने विश्वास से इस घर को सुरक्षित किया है, तो ये अपशकुन वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे मानने पर हम पूजा रखवा लेते तो हम दखियानुसी सोच को बढ़ावा नहीं देते। तुम सब एक बात गांठ बांध, बेठे वाला परिवार हमेशा एकजुट रहा है और आगे भी रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमें फूट या दरार पैदा नहीं कर सकती। तुम लोग अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। बाबा जी ने पूजा बोली थी ना, वो करवा लेते ना। बस करो विनती, पूजा पे फैसला ले लिया है ना हमने, तो अब डिस्कशन नहीं। सब लोगों को बहुत भूख लगी है, तो ये पूजा खत्म करते हैं और खाना खा लेते हैं। चलो। सिचुएशन तो बेशक संभल गई, पर श्रेया भाभी की चाल सब पर भारी पड़ सकती थी, और स्पेशली विनती भाभी पर। पर एक बात समझ नहीं आई कि पानी से साड़ी सफेद होना, नहीं, I'm sure उसमें कुछ मिक्स किया होगा, इसके पीछे कोई तो साइंस होगा, लेकिन वो है क्या? पता कैसे लगाऊं? हाँ, धोबी काका, एक सेकेंड। फोन उठाए। हेलो, धोबी काका, मैं संजना। संजना अजय पेठे वाला, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आओ आओ बच्चा, बाबा सब जानता है, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे, लेकिन इतना शीघ्र आओगे ये पता नहीं था। आओ। बताओ क्या कष्ट है बच्चा? बाबा, आप किसी पूजा की बात कर रहे थे ना, मेरा अपशगुन हटाने के लिए, बस वही पूजा करवाने आए। पूजा कराने का अर्थ है अपने परिवार के विरुद्ध जाना। मुझे लगता है, नहीं लगता ना, पूरा यकीन है कि जब से तेरी शादी हुई है ना, तू हम सबके लिए पनौती बन चुका है। इस घर पे किसी अपशगुन से आया है जो हम सबको खा जाएगा। बाबा जी ने पूजा बोली थी ना, वो करवा लेते ना। सोच लिया ना? जी, सोच लिया। उन्हें बुरा नहीं लगेगा, ये पूजा मैं उन्हीं के लिए करवा रहा हूं।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मंशा बच्चा। एक मिनट, मुझे देखने दो कि किस किस दिन अच्छा मुहूर्त पड़ता है। ठीक। ओ गॉड, अगर धोबी काका ने संजना को साड़ी में डाले केमिकल के बारे में बता दिया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। क्या करूं मैं? क्या हुआ? आपको मना किया था ना फोन करने के लिए। एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारा देवर अजय नाम है ना उसका, वो मेरे पास आया है। अजय आपके पास आया था? और क्या कहा उसने? वो मुझसे पूजा करवाना चाहता है। अच्छा, तो उसे कह देना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो पूजा करवा के कोई फायदा नहीं होगा, अब उसके परिवार को कोई पूजा नहीं बचा सकती है। पर एक उपाय है, अगर वो और उसकी पत्नी संजना ये घर छोड़ के बहुत दूर चले जाए, हम सब से दूर। श्रेया, कुछ चाहिए मुझे बता देती, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मैं बस ये देखने आई थी कि आप कितना काम कर रही है। जब से मुझे चोट लगी है मेरे हिस्से का काम भी आप ही कर रही है। कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। मम्मी पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत बड़ा कोई पुण्य किया होगा, इसीलिए मुझे ऐसा ससुराल मिला। सब मेरे बारे में कितना सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, पर संजना क्या हुआ? संजना क्या? कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं। बता दो क्या बात है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बस। खुल के बता, ऐसी बातें मन में रखूंगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। बोलो। नहीं नहीं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, शायद मुझे ही मेरे किए की सजा मिल रही है, किसी का कोई दोष नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुल के बताओ क्या बात है। अभी संजना को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, इस घर में फूट डालने की कोशिश कर रही हूँ? शायद इसलिए क्योंकि भूषण ने अजय को अपशगुन कहा। तो ऐसा भी हो सकता है, शायद अजय ने कभी संजना से कहा कि इनिशियली मैं इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं होगा श्रेया, पर मम्मी आप किसी से कुछ मत कहना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर के और मेंबर संजना के बारे में कुछ भी सोचे। और इस घर से मैंने ये सीखा है कि सैक्रिफाइस करो, इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है पर मैं करूँगी। संजना जो भी कहेगी, जो भी सोचेगी मेरे बारे में, मैं चुपचाप सह लूँगी। आप किसी से कुछ मत कहना। कोई बात नहीं, ये बातें मन में मत रखना, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ आराम कर लो।